मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूँ। जब बंदा 7-8 लाख लगाए तो उसके बाद हमें थोड़ी सी इनकम तो आनी चाहिए ना। एक डॉक्टर की जो बेसिक सैलरी है 40-45 हज़ार पाकिस्तान में है। एक दो जगह पे अप्लाई भी किया है लेकिन जैसे मुझे कोई जॉब नहीं मिली, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ना मिला, तो फिर मैं इस तरफ आ गई। मैंने कहा कि साथ जॉब भी, जैसे कहते हैं कि जॉब भी साथ चले, सर्च करती रहूंगी और साथ यही काम भी करती रहूंगी। लेकिन जब मैं ऑनलाइन की तरफ आई और मुझे अच्छी खासी अर्निंग होना शुरू होगी ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अब कुछ भी ना करूँ, बस ऑनलाइन अर्निंग। आप यकीन करें मैंने 2-3 माह के अंदर 5-6 लाख रुपए अर्न कर लिया था। तो अगर हम डॉक्टर की तरफ जाए ना, किसी भी पेशे की तरफ जाए, तो मेरे ख्याल से ये उनके साल की पे होगी। बहुत ज्यादा प्रेशर था फैमिली की तरफ से भी और रिश्तेदारों की तरफ से, तो वैसे ही बहुत था कि वैसे झूठ बोल रहे थे ये है ही नहीं ऐसे वैसे। तो यहाँ से चैनल से मैं तकरीबन 1 लाख रुपए मुझे अर्निंग आ जाती है अभी स्टार्टिंग में। हाँ जी, हमारे घर वालों का पता है क्या होता है कि हम डॉक्टर बन गए हैं तो जाते ही हमारी भाई 2-3 लाख वो रुपए तो सैलरी अफवाह होती ही है। होती है कि जो लाखों कमाना शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही है हमारे, सिर्फ पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि स्कूल चले जाएं, स्कूल भरे पड़े हैं बच्चों से। हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा बोरिंग सा है कि बच्चे बस रट्टा लगाई जा रहे हैं, इतनी इतनी बुक्स हैं उनकी लेकिन स्किल नहीं है। जैसे ही हमारी मतलब हम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम धक्के खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप लोग स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीख लें, ऑनलाइन सीख लें, ऑफलाइन सीख लें, लेकिन आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी नौजवान खातून से करवा रहा हूं जिन्होंने डॉक्टरी में लाखों रुपए लगाया और जब डॉक्टर बनने का मौका मिला, जब डॉक्टर बनने वाली हैं तो तब कह रही हैं कि जी मैं डॉक्टरी के पेशे में नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टरों की तरह 24 24 घंटे सर्विस नहीं दे सकती, मैंने फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने घर में रह के पैसा कमाऊंगी, मैंने पैसा ही तो कमाना है। तो इन्होंने अपने मोबाइल से कैसे महाना लाखों रुपया कमाना शुरू किया और इनका ये कदम उठाना डॉक्टरी को छोड़ के ऑनलाइन सोशल मीडिया से पैसा कमाना, ये इनका कदम कैसा था, ये आपने इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में बताना है। तब तक हम इनसे जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दोस्तों को जरा तारुफ करवाएं कि आप इस फील्ड में ऑनलाइन में लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, आप इस फील्ड में कब आई और क्यों आई थी? जी बात यह है कि इस फील्ड में मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। पहले जैसे नॉर्मल एक फैमिली में होता है कि स्टडी करनी है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, किसी को जॉब करनी होती है हमारे जो मुआशरे में है ना, तो मैं भी ऐसे स्टडी कर रही थी। मेरा था मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन पिछले 1 साल पहले जो मेरी सीनियर स्टूडेंट सीनियर फ्रेंड्स थी ना, उनसे कुछ मैं सुनती होती थी कि वो डॉक्टर हैं, वो हाउस जॉब कर रही हैं, तो सारा सारा दिन वर्क कर रही हैं, उन्हें फैमिली को टाइम नहीं दे सकती। और सैलरी आपको पता है, एक डॉक्टर की जो बेसिक सैलरी है 40-45 हज़ार पाकिस्तान में है, बेसिक जो बेसिक सरकारी सैलरी। डॉक्टर है। हाँ जी, इतनी उनको सैलरी दी जाती है जो स्टार्टिंग पे होती है। तो उसके बाद हमारे यहाँ इतना ट्रेंड ही नहीं है कि ज़्यादा जॉब्स भी नहीं होती, तो फ्रेंड्स बताती होती थी कि बड़ी मुश्किल आते हैं ये वो। तब मैंने सोचना शुरू किया कि लोग तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ भी आ रहे हैं, तो ऐसा भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन भी वर्क करूं। तो फिर मैंने ये चीज़ें सीखी, फिर मैं ऑनलाइन की तरफ भी आ गई। तब ठीक मेरा है। माइंड ये नहीं था कि मैं ये बिल्कुल ही छोड़ दूंगी, लेकिन जब मैं ऑनलाइन की तरफ आई और मुझे अच्छी खासी अर्निंग होना शुरू होगी ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अब कुछ भी ना करूं, बस ऑनलाइन अर्निंग अच्छा, करूं। आपने मतलब दो ऑप्शंस लेके चलना शुरू हो गई, एक तो वो डॉक्टर्स की लाइन और जी जी दूसरा आप सोशल मीडिया की लाइन ऑनलाइन अर्निंग की। तो अब बिल्कुल आपने डॉक्टरी को बिल्कुल खैरबाद कह दिया, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। घर मतलब वाले आपको तो रोका नहीं है किसी ने कि ये क्या कर रही है, लाखों मैं रुपया आपके ऊपर घर वाले ने लगाया है और आपने चंद लाख रुपए कमा के कह दिया जी डॉक्टरी को खैरबाद, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ये मैं फील्ड। उसी बात की तरफ आ रही थी कि वाकई बहुत ज्यादा प्रेशर था फैमिली की तरफ से भी और रिश्तेदारों की तरफ से, तो वैसे ही बहुत था कि वैसे झूठ बोल रहे थे ये है ही नहीं ऐसे वैसे। लेकिन मुझे आप यकीन करें मैंने 2-3 माह के अंदर 5-6 लाख रुपए अर्न कर लिया था। तो अगर हम डॉक्टर की तरफ जाएं ना, किसी भी पेशे की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल से ये उनके साल की पे होगी। अच्छा, लोग यहाँ पे कहेंगे शायद ये खातून डॉक्टर मुकम्मल बनी ही नहीं है इसलिए ये बातें कर रहे हैं, आप वाकई में डॉक्टर बन जी जी चुकी थी? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैंने अभी हाउस जॉब स्टार्ट नहीं की। अच्छा, मेरी माशाल्लाह, डिग्री कंप्लीट हो गई थी, ठीक 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 लेकिन फिर मैंने जब एक दो जगह पे अप्लाई भी किया है, लेकिन जैसे मुझे कोई जॉब नहीं मिली, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ना मिला, तो फिर मैं इस तरफ आ गई। मैंने कहा कि साथ जॉब भी, जैसे कहते हैं कि जॉब भी साथ चले, सर्च करती रहूंगी और साथ यही काम भी करती रहूंगी। अच्छा लेकिन यहाँ से मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। चले, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाब करे। लेकिन हम कामयाबी के सबूत आपसे मांगेंगे कि आप ये बताएं कि आप महाना कितने पैसे कमा लेती हैं सोशल मीडिया से या ऑनलाइन,
अर्निंग कितनी कर रही है महाना की बात की जाए तो? अगर महाना की बात करें तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नायला ऑफिशियल के नेम से, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहाँ से चैनल से मैं तकरीबन 1 लाख रुपए मुझे अर्निंग आ जाती है अभी स्टार्टिंग में। हाँ जी, कितना टाइम हो गया ये आपको काम करते हुए? तकरीबन 7-8 माह हो गया मुझे इस पे यूट्यूब चैनल पे, और मेरी वेबसाइट भी है इसके अलावा, वेबसाइट है, मैं वैसे फाइवर पे भी वर्क करती रही हूँ, तो अगर वो सारी चीजें ऐड करें ना तो मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसमें बेहतरी फरमाए। मुझे ये बताएं कि ये काम अगर किसी और का भला करना चाहें तो क्या हेल्प कर सकती हैं, ताकि जो हमारी खवातीन घर से नहीं निकल सकती और वो लोग जो देख रहे हैं, जो खवातीन पे पाबंदी लगाते हैं कि ये स्क्रीन पे ना आए, ये काम ना करें, तो भाई कोई भी इखलाकी काम करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह ये हमारी बहन घर बैठे हुए लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो आपके घर में कोई भी खवातीन है, आजकल डिप्रेशन की रीजंस सिर्फ घर में टेंशन है, और घर में अगर कोई बंदा मसरूफ हो जाए और उस मसरूफिया से आपको कमाई आना शुरू हो जाए, तो वो बंदा अगर पागल भी हो ना वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए अगर बहना ये बताएं कि अगर कोई भी, खा वो खातून हो खा वो मर्द हो, अगर कोई बंदा ये सवाल करे कि हम सीखना चाहते हैं, कमेंट में कहें या जैसे भी, तो क्या कैसे हेल्प करेंगे उनकी? अगर वो सीखना चाहते हैं तो जिनसे मैंने सीखा था ना यूट्यूब का, उनका प्रोफेसर नासिर अरफात हैं, तो उनका कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, तो वो सिखा रहे हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा, ये उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये लोगों को गाइड कर दूं कि मैंने छोड़ा अपना पैशन, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने एक लास्ट इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने कमेंट पढ़े थे, काफी लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोगों की खिदमत करें ये वो, तो मैं ये बता दूं कि मैं ये नहीं कह रही कि मैंने छोड़ा तो सब छोड़ दें। अगर मुआशरे में अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। तो मुझे जो महसूस हुआ ना कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, जाहिर सी बात है जब बंदा 7-8 लाख लगाए या इससे ज्यादा भी लगते हैं आपको पता ही है, तो उसके बाद हमें थोड़ी सी इनकम तो आनी चाहिए ना। हमारे घर वालों का पता है क्या होता है कि हम डॉक्टर बन गए हैं तो जाते ही हमारी भाई 2-3 लाख रुपए सैलरी होती है कि जो लाखों कमाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वो काम लेकिन है ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट हमें कोई जॉब देती ही नहीं, बहुत कम जॉब्स आती हैं इस तरह की, और प्राइवेट पे तो हमें बहुत कम, आपको पता है सैलरी बहुत कम होती है। अच्छा मिस नायला, मुझे ये बताएं कि आपने ये 7-8 माह का पीरियड बताया, क्या सोचती हैं फेयरली, क्या ये आपका फैसला दुरुस्त रहा है, क्या इसी में रहेंगी या वापस डॉक्टरी लाइन में चले जाएंगी? ये ना हो कि चंद माह बाद लोग आपको डॉक्टर्स फील्ड में देख रहे हो और लोग कहेंगे जी ये मैम कहती थी कि मैं तो सोशल मीडिया पे आ चुकी हूँ, अब मैंने ऑनलाइन ही पैसा कमाना। क्या मुतमिन है? मैं मुतमिन हूँ। पता है क्या, स्टार्टिंग में ये हुआ कि थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, क्योंकि आपको पता है कोई भी हम ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं ना तो जल्दी से ग्रो नहीं होता बंदा। स्टार्टिंग में मुझे मसला हुआ, मैं थोड़ा घबरा भी गई कि ये मैंने मतलब क्या कह दिया है, लेकिन फिर मैंने ना हिम्मत नहीं हारी, मैं ऐसा ऐसा वर्क करती रही और फिर जब मेरी अर्निंग आई ना फिर मैं ज्यादा मुतमिन हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि जो मेरा आपने कहा कि मैं डॉक्टर की तरफ ना चली जाऊँ तो लोग कहें, वो ये है कि मैं इसको भी लेके चलूंगी, लेकिन मैं ऑनलाइन लेके चलूंगी, जैसे मैं ऑनलाइन लोगों को मशवरे दूंगी उनकी सेहत के हवाले से, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें गाइड करूंगी, उन्हें प्रिकॉशंस बताऊंगी, मतलब मैं अपने जो पेशे को ना इसको भी ऑनलाइन ही लेके। अब मुझे बताएं कि अगर कोई पर्सनली कोई हमारी बहन आपसे कोई भी चीज सीखना चाहे तो क्या आपसे कोई कॉन्टेक्ट करेगा या आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को सिखा सकती हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप लोग YouTube भी सीखें, आप लोग जो मैं बता रही हूँ वही सीखें, ये बहुत वाइड रेंज है। आप लोग Fiverr का सीख सकते हैं, YouTube सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, आगे दौर ही इसका है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन मैंने जो सीखा है ना वो मैंने YouTube का सीखा और दूसरा मैंने वेब डेवलपमेंट का सीखा, मैंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप की हुई है, उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ, तो मुझे इनमें ज्यादा इनकम लगी, मतलब जो अर्निंग थी ना वो इन दोनों की ज्यादा है। ठीक है, इनमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है लेकिन जब ये ग्रो कर जाते हैं ना फिर आपको अच्छी इनकम मिल जाती है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये काम जो आपने सीखे इन पे अखराजात कितने आ जाते हैं? ये ना हो कि लोगों को काम सिखाने के लिए लाखों कमाने से पहले ही लोगों से लाखों फीस वसूल कर ली जाए और बाद में लोग बेचारे टाइम भी जाया करें और कुछ सीख भी ना पाए। जरा बताएं अखराजात कितने आते हैं, आपके कितने आए थे? अगर हम यही चीज़ें
किसी बड़े इदारे से सीखे ना तो दो दो तीन तीन लाख रुपए आराम से फीस ले लेते हैं, ठीक है, आपको भी पता है। तो जहाँ से मैंने सीखा उनकी फीस तो कम ही थी, कुछ पहले भी नॉलेज था। जो मैंने यूट्यूब का सीखा उनकी फीस 3,000 रुपए थी, और जो मैंने वेब डेवलपमेंट का सीखा था ना वो कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा, और कुछ एक टीचर थे उनकी फीस 5,000 थी। तो मैं वैसे भी छोटे छोटे कोर्सेज करती रहती हूँ कि चले ना भी उनको यूटिलाइज करूँ लेकिन मुझे आइडिया और नॉलेज मिल जाता है उनके रिलेटेड। तो जो ब्लॉगिंग का कोर्स था वो मैंने एक टीचर से किया था, उनका नंबर भी दे देती हूँ, अगर इन्होंने फीस दे के करना है तो उनसे कर लें, और फ्री करना है तो कमेंटिक वेबसाइट भी मैंने आपको बताई है। आखिर पे कोई चीज दोस्तों को शेयर करना चाहें, खास तौर पे हमारी जो माए बहने हैं, जो बच्चियां हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो आपने मुश्किल और जो अच्छा दोनों वक्त देखे उनका कंपैरिजन करते हुए क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई बड़ा देख रहा है तो उनको यही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को, बहन भाइयों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन इसके साथ उनको कोई स्किल सिखाएं। हमारे सिर्फ पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि स्कूल चले जाएं, स्कूल भरे पड़े हैं बच्चों से, हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा बोरिंग सा है कि बच्चे बस रट्टा लगाई जा रहे हैं, इतनी इतनी बुक्स हैं उनकी लेकिन स्किल नहीं है। जैसे ही हमारी मतलब हम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम धक्के खाने के लिए बैठ जाते हैं, कोई हमारे पास जॉब नहीं होती, ना ही कोई जॉब मिल रही, मुल्क के हालात जैसे हैं। आप लोग स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीख लें, ऑनलाइन सीख लें, ऑफलाइन सीख लें, लेकिन आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआशरे का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे स्टडी है, चाहे हमारी मैरिज है, चाहे हमारी कोई भी चीज़ है, चाहे हमारी ऑनलाइन लर्निंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी यूट्यूब चैनल पर ज़रा फेस के साथ आना था तो इससे भी मुझे बड़ी बातें हुई, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं बुरा काम नहीं कर रही, मतलब ठीक कर रही हूँ, मैं एक अच्छे तरीके से एक वीडियो बना रही हूँ तो इसका मसला नहीं है। तो अपने जो प्रेशर को कंट्रोल खुद ही करना है हमने, बंदा अकेला होता है, उसने खुद ही इन चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो ये चीज़ें साथ लेके चलें। तो बाकी जहाँ तक मेरे से गाइड हुआ मैं इनको ज़रूर गाइड करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस आयशा, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी यहाँ अता फरमाए और आपको इस्तकामत अता फरमाए। एट द एंड दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग जो घर में ख्वातीन हैं उनको ज़रूर मौका दें कि मिस नायला के साथ मिलके वो कोशिश करें, अगर कामयाब हो जाएं तो किसी ना किसी का भला हो जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों से, ताकि जो दोस्त ये सोचते हैं कि ख्वातीन क्या करेंगी, उनको पता चल सके कि घर में वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़, अमान अल्लाह, रब रखा।